गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं निर्देशन की विशेषताएं। निर्देशन की क्या विशेषताएं होती हैं, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जहां तक निर्देशन की विशेषताओं का सवाल है, तो हम इन विशेषताओं को इस तरह से देख सकते हैं। निर्देशन का जो कार्य है वह बालक के विकास को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक शिक्षक के लिए इसकी जानकारी होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि विद्यालयों में एक निर्देशक की या यूं कहा जाए कि एक काउंसलर की जो नियुक्ति करने की बात कही जाती है, पहले भी कई शिक्षा नीतियों में बात कही गई है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता या ये संभव नहीं। ऐसे में निर्देशन का कार्य या उत्तरदायित्व तो सारा शिक्षक पर आ जाता है, इसीलिए उसे इसके बारे में जानकारी होना अनिवार्य। निर्देशन की जो सबसे पहली विशेषता है वह विकास की प्रक्रिया में सहायक। निर्देशन जो है वो पालक के विकास के समस्त मार्ग प्रशस्त करता है या समस्त मार्ग का निर्देशन करता है, क्योंकि बालक का जीवन का लक्ष्य क्या है कि निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहना या विकास के पथ पर आगे बढ़ना, तो उसके लिए यह अनिवार्य होता है कि निर्देशन के माध्यम से उसे उस प्रक्रिया या उस मार्ग या उसके कार्यों या उन लक्ष्य तक पहुंचने के संसाधनों की जानकारी उपलब्ध करा कर उसे आगे बढ़ने में उसके विकास में सहयोग प्रदान किया जाए। फिर बात में आता है स्वयं निर्णय क्षमता का विकास, यानी कि बालक स्वयं निर्णय ले सके, इसका उसे प्रशिक्षण प्रदान करना या इसके योग्य उसे तैयार करना, क्योंकि बालक के स्वयं निर्णय लेने की क्षमता या सेल्फ डिसीजन लेने की जो कौशल है उसका होना बहुत जरूरी। अगर बालक सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता या स्वयं किसी चीज़ का निर्णय नहीं कर सकता, तो निश्चित है कि बालक की सफलता कहना चाहिए कि संदिग्ध रहती है या बालक सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता, सफल परिणाम उसे प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए अनिवार्य है कि बालक स्वयं निर्णय लेने की योग्यता बालक में होनी चाहिए। फिर बाद में है समस्या समाधान की योग्यता, समस्या योग्यता। एक बालक ने किसी भी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो हर समय आवश्यक नहीं है कि हर छोटे से कार्य में आने वाली समस्या के समाधान के लिए वो किसी निर्देशक के पास में जाए, और ना एक निर्देशक के लिए इतना संभव है कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए उसको निर्देशन दे। इसीलिए निर्देशन का कार्य जो है वो बालक को स्वयं समस्याओं का समाधान करने की क्षमताओं का विकास करने में आवश्यक है, या इसमें जो इसकी विशेषता है कि वह बालक को समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार कर। अगली बात आती है योग्यता अनुसार अवसर पहचानना। योग्यता अनुसार अवसर यानी कि एक बालक के लिए अब उसको अपनी योग्यता रुचि क्षमताओं के अनुसार अवसरों को पहचानना बहुत अनिवार्य है। तो निर्देशन की विशेषता है कि बालक को इस तरह से तैयार करता है कि वह अपनी योग्यताओं के अनुसार मिलने वाले अवसरों को पहचाने और उनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को या अपने इच्छित लक्ष्य तक वो पहुँच सके या उसको वो प्राप्त कर सके। इसीलिए बालक में अपनी योग्यता के अनुसार लक्ष्य को पहचानने या अवसरों को पहचानने की क्षमता का विकास करना निर्देशन की विशेषता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वह है
व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। व्यक्ति व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति में सहायक यानी कि निर्देशन की जो प्रक्रिया है वह उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं जितनी भी हैं उन आवश्यकताओं को पहचानना और उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो सकती है इसका इसके लिए निर्देशन कार्य किया जाता है। अर्थात निर्देशन की ये विशेषता है अगली कि वह व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को पहचानना और उनको पूर्ण करने की योग्यता का उसमें विकास हो। फिर बाद में आता है शिक्षण तथा अनुदेशन। शिक्षण तथा अनुदेशन हेतु ये शिक्षण और अनुदेशन यानी कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया के लिए भी निर्देशन एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि यह शिक्षण प्रक्रिया को सही रूप से सुचारू क्रियान्वित करने के लिए निर्देशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अर्थात निर्देशन की जो अग्नि विशेषता है वह शिक्षण और अनुदेशन प्रक्रिया को सुचारू निरंतर चलायमान रखने के लिए इसका सहयोग है। फिर बाद में आता है व्यक्तिगत व्यक्ति के स्वयं को समझने की क्षमता। ठीक है ना। निर्देशन की जो अगली विशेषता है यानी कि निर्देशन प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति को खुद को समझने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यानी कि व्यक्ति स्वयं की रुचि योग्यताएं स्वयं की क्षमताएं स्वयं के व्यवहारों को समझने में निर्देशन की प्रक्रिया सहयोग करती है। यानी कि निर्देशन इस प्रकार से बालक को तैयार करता है कि वह खुद को समझ सके कि उसकी रुचि क्या है उसकी क्षमताएँ क्या हैं अर्थात कि स्वयं को समझने में सहयोग करता है। फिर बाद में आता है जन्मजात क्षमताओं का विकास। यानी कि बालक में जो जन्मजात क्योंकि हर बालक में कुछ ना कुछ जन्मजात क्षमताएं या योग्यताएं होती हैं। इन योग्यताओं को अगर उचित ढंग से निर्देशन देकर और अधिक विकसित होने या बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं तो बालक की क्षमताओं में विकास हो सकता है। इसीलिए जो जन्मजात शक्तियां हैं या जन्मजात योग्यताएं हैं उनके विकास में निर्देशन आवश्यक है या सहयोग करता है। फिर बाद में आता है स्वयं व समाज व्यक्ति स्वयं व समाज के अधिकतम क्षमता स्वयं व समाज के विकास की। ठीक है ना। यानी कि अगली विशेषता इसकी यह है कि निर्देशन की प्रक्रिया बालक स्वयं को और समाज के विकास के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता है और क्या व्यक्ति में किस तरह से योग्यताओं का विकास किया जा सकता है उसके लिए निर्देशन प्रदान किया जाता है। और लास्ट में है पाठ्यक्रम चुनाव में, है ना। चुनाव यानी कि उसे कौन सा विषय चुनना है, किस आगे भविष्य में कौन सा विषय चुनकर और अपने
भविष्य का निर्माण कर सकता है या अपने रोजगार को वो हासिल कर सकता है। इसके लिए कौन सा विषय उसके योग्य है, किस में उसकी रुचि है, इसको समझने में सहयोग करता है। इसीलिए निर्देशन की जो विशेषता है वो पाठ्यक्रम चुनाव में सहयोग करती है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ आपको प्रश्न करना है कि निर्देशन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। निर्देशन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले, COVID-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।